चंपारण मीट का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इसे चंपारण मीट के नाम से भी जानते हैं और जो कि देश विदेश में काफ़ी फेमस हो रहा है। आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ओना मीट बनाने के प्रोसेस क्या है और क्यों चंपारण का मीट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। माना जाता है कि चंपारण मीट की शुरुआत बिहार नेपाल बॉर्डर के किसी जगह से हुई थी और वहाँ से वह मोतिहारी पहुँचा और फिर वहाँ से फेमस होना शुरू हुआ। वीडियो की शुरुआत करता हूँ इस चंपारण के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी से और अभी मैं हूँ छतौनी चौक पे। मोतिहारी के छतौनी चौक पे एक लाइन से काफ़ी ओना मीट की दुकानें हैं और वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। और मीट में नमक और थोड़ा हल्दी मरीच मिला दिए, हल्का गर्म मसाला मिला के रख दिए। अच्छा, हल्का दो बार भूजेंगे और उसके बाद इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे, वाटर 1 लीटर डालेंगे, जैसे सूखेगा धीरे धीरे उसको फ्राई करेंगे और उसके बाद तैयार हो जाएगा। इसलिए पानी में मटन इसका नाम सीधे जी पानी मटन। अभी मैं खा रहा हूँ मटन का सीख कबाब और काफ़ी टेस्टी है और इसके बारे में मैं थोड़ी से बात करूँगा कैसे बनाते हैं। कि मटन स्टू बनता है और उसके बाद पानी स्टू हो गया, पानी फ्राई ताश हो गया, हरा मसाला स्टू बनता है और गाँव पर ताश बनता है, उसके बाद हांडी बनता है, काजू में हांडी बनता है और एक पहुना बनता है जो मटके में बनता है, मिट्टी के बर्तन में, एक खड़ा मसाला में या एक पीसा हुआ मसाला में बनता है। पानी मटन बनता है उसमें खड़ा मरचा मैंने हरा मरचा लहसुन और मरीच डाल देते हैं और 1 kg मटन में पानी डालते हैं 1 लीटर और उसको थोड़ा सा मटन को फ्राई करके और पानी डालते हैं 1 लीटर और सूखने के बाद 1 घंटे बाद जैसे जैसे पानी सूखता है जैसे सूखने के बाद फ्राई करने के बाद वो अच्छा बन जाता है। पानी सूख गया मटन बहुत सुंदर तैयार हो जाएगा, बहुत स्वादी बिना तेल का बनता है, फिर भी नहीं आता उसमें। पानी मटन के बाद जानेंगे कि चंपारण का ओना मीट तो वर्ल्ड में फेमस है, उसकी क्या खासियत है और कैसे बनाया जाता है चंपारण का ओना मीट, अभी उसे जानते हैं। 1 kg मटन, 1/2 kg प्याज बारीक बारीक हो गई इसमें डाल देंगे, 1 परसों इसमें सरसों तेल डाल देंगे जो पका के रखे हैं पहले से, और 1/2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मरीच, 1 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा गरम मसाला इसमें डाल देंगे और उसको मिला करके और मटके में डालेंगे, 1 परसों तेल डालेंगे उसमें और उसमें 4 लहसुन और उसमें 5 खड़ा मसाला डाल देंगे, खड़ा मसाला डाल देंगे उसमें और उसमें ये सब मिला करके मटन प्याज जो मसाला हम जो बोले हैं उसको उसमें डाल देंगे, ढक्कन से ढक देंगे, उस पर ढक के आटे के लेप लगा देंगे और उसको कोयले के ताव पर रख देंगे, हर 15 मिनट में उसको पकड़ के हिलाएंगे ऐसे, हर 15 मिनट पर जले रहेंगे, ताव एकदम मीडियम ताव होना चाहिए, ताव अधिक हो जाएगा हो गया तो जल जाएगा, कहाँ है ना सही बनेगा। और ये तो मसाला वाला हो गया और खड़े मसाला में जो हांडी बनेगा मटका में उसमें 1/2 kg प्याज और 25 ग्राम मरीच, 5 ग्राम जीरा और मैंने 20 ग्राम का टुकड़ा अदरक, 5 लहसुन डाल देंगे उसमें और 7-8 खड़ा मिर्चा उसमें डाल देंगे हो गया और हल्दी थोड़ा पाउडर डाल देंगे, दूसरा मिला करके तेल 1 परसेंट डालना है और 1 परसेंट मटके में मिला के डाल देंगे, ढक देंगे उसको हर पंद्रह का ताव बना करके 15 मिनट पर उसको हिलाना है, पकड़ के ऐसे पकड़ लेंगे मटके को हिलाना है हर 15 मिनट पर, 1 घंटा हो जाएगा या 10 मिनट पर तैयार हो जाएगा तो बना करके बहुत स्वादिष्ट है। पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसकी ब्रांडिंग भी हो रही है पटना में और मोतिहारी के अलावा, ये तो मोतिहारी है, मोतिहारी के अलावा पटना में बहुत ही जगहों में चंपारण का ओना मीट फेमस है और चंपारण का मीट क्यों ज़्यादा फेमस है ये बताएंगे। ये है कि हम देहाती खसी खरीदते हैं, देहाती बकरा खरीदते हैं, उसको 10 kg 8 kg का देहाती जो होता है ओरिजिनल वो खरीदते हैं, जैसे मुर्गा है
देहाती मुर्गा हो गया और फार्म वाला तो ब्रॉयलर हो गया, और देहात में है जो खुला चल रहा है उसको तो अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है। इसलिए देहाती जो मटन होता है खसी का उसको हम ताज़ा कटवाते हैं और ताज़ा मटन सूखा बनाते हैं, बिना पानी के मटन लेते हैं और तो उसको बनाते हैं, इसलिए स्वादिष्ट होता है, खासियत है ये मटन।